बस यादें 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 रह जाती हैं कुछ छोटी। छोड़ी जिया बाकी सब तो पा चुका है, दारू ही चाहिए। बाकी स्टेट में राशन सस्ता है यार, दारू सस्ती है। जैसे मतलब रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट है। नजर आता है जहां पे मिला मेरा ही खरा। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और 8:30 हो गया, हम लोग निकल चुके हैं हमने चंडीगढ़ के लिए देहरादून से। आप सामने देख सकते हैं राजपुर रोड पे हैं, एंड अभी ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं पे चल के, यहीं पे आसपास चंडीगढ़, एंड उसके बाद फिर चलेंगे सीधे चंडीगढ़ की ड्राइव पे। नो, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से देहरादून से चंडीगढ़ की तरफ जा रहा हूँ डायरेक्ट। और इससे पहले आपने वीडियोज़ जो देखे हैं उसमें लखनऊ से हमने दिखाया, अब की बार हम देहरादून से चलते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारा दीलाराम चौक, और ये आनंदपुरी स्वीट्स आप देख सकते हैं। तो जब मैं यहाँ रहता था तब भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी खाते थे ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, और टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अभी कुमार स्वीट्स बंद था तो मैं इधर आ गया, और सामने वो देखिए मसूरी वाले हिल्स देख रहे हैं। तो चलते हैं अभी कुछ खाएँगे, देन आगे चलते हैं। बताइए, ये रोड हमारी चक्राता शिमला और चंडीगढ़ तीनों जगह के लिए जाती है। केंद्रीय विद्यालय है इस तरफ, और गैरसन इंजीनियर ये भी पूरा वही है शायद, वहाँ मुझे लग रहा है पूरा कैंपस ही चल रहा है कि अंदर से उसी साइड से। तो गुड डिफेंस तो वैसे भी इतने बड़े बड़े कैंपस होते हैं कि आदमी वहाँ जाने नहीं, कैंप बुक करने एक ऑफिस दूसरे। तो अभी हम लोग प्रेम नगर की तरफ चल रहे हैं, आगे प्रेम नगर चौक है। जी हमारा प्रेम नगर आ गया है, प्रेम नगर मार्केट पूरा, और ये मेरे ख्याल से लास्ट साइड में है जो मेन एरिया है देहरादून का। और आगे से हमारी देहरादून शिमला चंडीगढ़ वाली रोड स्टार्ट हो जाती है, चक्राता रोड। चक्राता भी हिल स्टेशन है, इधर से आगे से पड़ता है विकास नगर से, आपको मुड़ना पड़ता है उसके लिए। तो बहुत सारी यहाँ पर घूमने की जगह है देहरादून पर, एंड बेस्ट लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी कि कहाँ पर आप होटल स्टे ले सकते हैं। फ्रेंड्स सामने देख सकते हैं कितना ऑसम व्यू है हिल्स का, कल की तरह वाला एकदम मसूरी का जैसा। जब हम लोग जा रहे थे तब ऐसे ही व्यू था, और ऊपर काफ़ी अच्छा मतलब मौसम था, काफ़ी ख़राब भी था हमारे हिसाब से, बट लेकिन वैसे मज़ा काफ़ी आया। कल मॉल रोड पे हम लोग काफ़ी घूमे, और बट घूमने से हमने एक चीज़ सीखी भी कि आप जा रहे हैं तो वहाँ पर अम्ब्रेला लेके ज़रूर जाइए, और या तो रेनकोट ले लीजिए। 50 रुपए का हम लोगों को मिला था, तो रेनकोट ज़रूर ले लीजिएगा अगर बारिश के टाइम पे जा रहे हैं। मतलब मोस्टली आपको जून से लेके सितंबर तक बारिश का चांस रहता है यहाँ पे, तो उस टाइम पे देख सकते हैं। उत्तरांचल अभी हम लोगों ने क्रॉस किया है सिद्ध बली हनुमान मंदिर, काफ़ी बढ़िया मंदिर था, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने। और ये हमारा शिमला रोड पे है चक्राता रोड, और अभी तो सब रास्ता कॉमन है चक्राता शिमला चंडीगढ़। तो ये देखिए कितना सीनिक रोड है फ्रेंड्स प्रेम नगर के बाद, हमने प्रेम नगर क्रॉस किया है आने के बाद, और ये हमारा चंडीगढ़ वाला रोड है देहरादून चंडीगढ़। ग्रीनरी आप देखिए कितना मस्त है, और हिली टेरेन है थोड़ा सा बीच बीच में, ग्राफिक है ना तुलास करके कुछ है यहाँ पे 400 meters। और चारों तरफ से हम लोग सराउंडेड हैं हिल्स से, तो इसीलिए वही दून वैली बोलते हैं इसको,
चारों तरफ से, एक साइड में मसूरी है, दूसरी साइड में चारों तरफ से मतलब हिल्स हैं। इधर पेट्रोल पंप भी मिल जाते हैं रास्ते में। ये डाट काली मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी मान्यता वाला इधर पड़ता है। और रास्ते आप देखिए, रास्ते तो मतलब देख के एकदम ऐसा लग रहा है देखते ही रहें बस, और यहीं पर चलते रहें। तो ये फ्रेंड सीधे चक्राता रोड जाती है और हम लोग इधर यहाँ से लेफ्ट होंगे, इधर की तरफ जाना है। रास्ता मुझे एक्चुअली रूट तो नहीं पता, मैं अभी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो जैसा भी है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। रोड्स अच्छी हैं, ज़रा ज़रा कहीं पे एक दो पैचेस मिलेंगे 100 मीटर्स के जो थोड़ा सा इस टाइप के हैं, बट वो भी ड्यूरेबल है। रोड्स ओवरऑल काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़िट है ये हमारा चक्राता विकास नगर के लिए, आपको राइट लेना है आगे से, तो ये एग्ज़िट है। और हम लोग स्ट्रेट चलेंगे पांवटा साहिब शिमला सहारनपुर की तरफ, और यमुनोत्री के लिए भी अगर आपको जाना है तो यहाँ से राइट ले सकते हैं। तो हम चलते हैं स्ट्रेट चंडीगढ़ वाली रोड पर सहारनपुर की तरफ। सो फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अभी व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। चलते हैं आगे का दिखाएंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमारा चंडीगढ़ का डिस्टेंस 142 किलोमीटर है और यही हमारा शिमला रोड है, नाहन भी इधर ही पड़ेगा। तो अभी थोड़ा हिली सेक्शन भी आना चाहिए आई सपोज, बट नॉट श्योर, फर्स्ट टाइम हम इस रोड पे जा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुके थे स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए, और स्ट्रेचिंग ब्रेक के अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ चले हुए, बट आप देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा है, तो इस वजह से गाड़ी को रोक के खड़े हुए हैं। ये हमारा NH7 है जो कि देहरादून चंडीगढ़ हाईवे है, एंड यहीं पे हम लोग रुके हैं, थोड़ी देर चिल आउट मारते हैं फिर आगे चलते हैं। गाड़ी को यहाँ इधर पार्क किया है और ये रोड है काफ़ी अंदर करके आराम से। तो फ्रेंड्स अभी ऐसे ही आपको व्यूज़ मिलते हैं इस हाईवे पे, आगे विकास नगर है, विकास नगर होते हुए जाएंगे, थोड़ा सा हिमाचल का भी एंट्रेंस है, एंड इसके बाद अगेन हम हरियाणा एंड देन पंजाब होते हुए चंडीगढ़ चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। इंस्टा का भी फुटेज डालता हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा इंस्टा का रिकॉर्ड करते हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, डिजिटली जर्नी करिए। अच्छा कितने प्रकार के इनोवेशन लगे होंगे? नहीं उसके लिए बोल देंगे, ये सामान लिस्ट में लिखवा देंगे, ये सामान मंगवाना पड़ेगा, मंगवा दो, हजार वाला खर्चा है, सब आ जाएगा पूरा था। तो बढ़िया रोड से अभी आपने देखा हमारा फुटेज, एंजॉय किया होगा पीछे का, तो बढ़िया काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, जो रूट है वो व्यूज़ मतलब आपको कहीं भी बोर नहीं होंगे। तो यहाँ से हमारा देहरादून की सीमा ख़त्म हो जाती है, ये देखिए उत्तराखंड, एंड इसके बाद थोड़ा सा हिमाचल का पार्ट पड़ेगा, देन हरियाणा एंड देन पंजाब होते हुए हम चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ आप जानते हैं द सिटी ऑफ लव, ये हमारा ये बॉर्डर आ गया उत्तराखंड और ये हिमाचल का, तो यहाँ से उत्तराखंड एंड हो जाता है, ये देखिए यहाँ से ख़त्म हो गया देहरादून, एंड इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे हिमाचल में। तो ये इस ब्रिज के उधर आप हिमाचल है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं गूगल मैप में, ये देखिए बॉर्डर बना हुआ डॉटेड लाइन। तो अब हम यहाँ से हिमाचल में एंटर कर गए, कि हिमाचल का फ्रंट गेट आप देखिए, जहाँ पे भी हिमाचल का एंट्रेंस होगा इसी टाइप का गेट आपको मिलेगा, चाहे आप चंडीगढ़ से शिमला वाले में जाइए या मनाली वाले रूट पे जाएंगे, कहीं भी जाएंगे धर्मशाला पे जाएंगे, तो इसी टाइप का गेट आपको हिमाचल में हर जगह दिखेगा जहाँ पे एंट्रेंस का है। तो चार्जेबल भी होता है हिमाचल में, बट अभी यहाँ देखते हैं लगता है कि नहीं हमारा। ये महाराजा अग्रसेन द्वार है पांवटा साहिब, हम लोग पहुँच गए हैं पांवटा साहिब, यहाँ पे भी काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है। तो यहाँ पे कोई चार्ज तो नहीं लगा, हम लोग एंटर कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश, एंड यहाँ से मतलब पांवटा साहिब एक्चुअली चल ही रहा है 0.5 किलोमीटर से गुरुद्वारा,
और स्ट्रेट हम चलेंगे चंडीगढ़ की तरफ। पांवटा साहिब बहुत फेमस गुरुद्वारा है, काफी फेमस है गुरुद्वारा है। उधर दिख रहा था ना, वो नहीं होगा आगे पॉइंट पर, लंगर वंगर मतलब काफी बढ़िया, बहुत फेमस गुरुद्वारा। तो यहाँ से 124 किलोमीटर से बचा है चंडीगढ़। ये देखिए हमारा चौक है मेन, गुरुद्वारा इधर है पांवटा साहिब गुरुद्वारा, यहाँ पे लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में जो रोड जा रही है इधर अंदर, और वो ही लग रहा है बना ही हुआ है पूरा है। और इधर से हमारा नाहन 42 और चंडीगढ़ है 121। चलते हैं आगे, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर। उनकी तरफ मुड़ेंगे इधर राइट में, और इधर लेफ्ट जाएंगे तो आप यमुनानगर के लिए जा सकते हैं, यमुनानगर जगाधरी। ये देखिए ये बसेस जा रही हैं, हम लोग नाहन की तरफ चलेंगे, अभी पांवटा साहिब में है। नाहन पहुंचने वाले हैं, 8 किलोमीटर से नाहन, और आप देख सकते हैं कैसे घाटियां हैं, कितना बढ़िया रास्ता है और क्या वैली का व्यू है। नाहन में ही साहिल रहता है, नाहन टाउन है एक छोटा सा। हाँ नाहन एक छोटा सा टाउन है हिमाचल में। ये देखिए स्ट्रेट जाने में कुछ और कहीं भी रास्ता है, जा रहा है कहीं उस्टा करके, और ये वैली देखिए आप गजब इस साइड में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट भी है, हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। फ्रेंड्स नाहन के पास हैं अभी 12:30 बजे, एंड चल रहे हैं अभी यहाँ से, और थोड़ी देर का ब्रेक लिया था, ऐसे पी ब्रेक लिया था, तो चलते हैं एंड एंजॉय करिए हमारे साथ वीडियो को, चंडीगढ़ तक की जर्नी देहरादून से। फ्रेंड्स चंडीगढ़ 31 किलोमीटर है, और पंचकुला उससे पहले पड़ेगा, तो हम लोग पंचकुला होते हुए निकलेंगे देखिए। एंड ऑलमोस्ट हमें अभी 45 मिनट्स लगने वाले हैं, तो मैंने डेस्टिनेशन डाल दिया है, अभी हम लोग पहले लंच करेंगे एंड देन होटल लेंगे। चंडीगढ़ तक, और ये जस्ट पंचकुला से पहले है, पंचकुला आई थिंक यहाँ से 20 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट होगा, और ये बोल रहे हैं कि पीछे कर लो, वो ज्यादा आगे चले गए थे, पकौड़े लग गए इनके। देखिए अब हमारे पकौड़े ना लग जाए इसलिए हम धीरे से चलेंगे आराम से। ये हरियाणा रोडवेज वाली बस है, इसके बारे में आपने सुना होगा। और ये देखिए हमारे पकौड़े नहीं लगे, हम लोग निकल गए एक बार में। तो फ्रेंड्स हम लोग पंचकुला पहुंच गए, और 2 बजे अभी, और अभी हम लोग चल रहे हैं वहाँ कुलचे खाने, जो चंडीगढ़ में सबसे बढ़िया कुलचे मिलते हैं, चूर चूर नान। तो कुलचे और चूर चूर नान दोनों चीज़ें मिलती हैं, ब्रदर्स कुलचा करके है, सेक्टर 9 में शॉप है चंडीगढ़ में। तो दिखाता हूँ आपको, अभी ये पंचकुला चल रहा है, अभी मेरे ख्याल से आई थिंक 15-20 मिनट और लगेगा पहुँचने में। इधर आप रेलवे स्टेशन की तरफ जा सकते हैं इस साइड में, और अभी हम लोग इधर चल रहे हैं ब्लैक लेवल पे, डन ना, शिमला की तरफ, सॉरी चंडीगढ़ की तरफ। ओके तो फ्रेंड्स हम लोग पंचकुला से अब चंडीगढ़ एंटर करने वाले हैं। ये देखिए आप बॉर्डर देख सकते हैं हरियाणा, हरियाणा से अब चंडीगढ़ हम एंटर कर जाएंगे। मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है, एंड ग्रीनरी आप देख सकते हैं जो कि चंडीगढ़ की खासियत है, और हम लोग भी काफी इंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं चला। और 2 बजे हम एग्जैक्ट चंडीगढ़ पहुंच गए, तो 4 घंटा ऑलमोस्ट हमको लगा, और बीच में हम 2-3 बार रुके भी हैं, तो आप देख सकते हैं लगभग 4 आवर्स सबको लगेगा, गूगल में भी इतना ही दिखाता है। और ये आप देख सकते हैं चंडीगढ़ का एंट्रेंस इस वाली रोड से, ये नाडा साहेब वाली रोड है, BT-17 का स्ट्रेट रोड है, चंडीगढ़ हम एंटर कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी दिखाया, ये चंडीगढ़ में इस टाइप का आपको मैप मिलता है हर चौराहे पे कि कौन सा सेक्टर है किस तरफ। चंडीगढ़ में वही है ना कि यहाँ आदमी बाकी सब तो पा चुका है, दारू ही चाहिए, बाकी स्टेट में राशन सस्ता है यहाँ, दारू सस्ती है, जैसी मतलब रिक्वायरमेंट है लोगों की सरकार ने, वैसा